मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का गायनेक सीरीज में हमारा टॉपिक है पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस। मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर औरत को या गर्ल्स को कभी ना कभी लाइफ में पीरियड्स पोस्टपोन करने की जरूरत पड़ती है, चाहे फिर वह कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई ट्रिप हो या फैमिली फंक्शन हो। तो हमें कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स उस समय आने वाले होते हैं और वो हमें पोस्टपोनमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास गलत समय पे चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें कब जाना चाहिए, हमें कब दवाई शुरू करनी चाहिए, और उस वजह से जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं पोस्टपोनमेंट के वो नहीं मिल पाते हैं और हमारे प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा सा हमें मूड ऑफ हो जाता है कि हमारे पीरियड्स ठीक से हम पोस्टपोन नहीं कर पाए। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें पोस्टपोनमेंट के लिए टैबलेट्स कब लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को पता नहीं होता है कि उसे प्रेगनेंसी रही होगी और वो अलग गलत टैबलेट ले लेने की वजह से बहुत बार प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो और आप सही समय पे दवाई ले सके और आप पोस्टपोन कर सके अपने पीरियड्स, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी हमें पीरियड हमारे जो मेंसेस है वो अगर पोस्टपोन करने हैं तो यह मेंसेस पोस्टपोन कैसे किए जाते हैं। मेंसेस जो ओवरऑल प्रोसेस है यह एक हार्मोनल प्रोसेस है कि जिसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल के हिसाब से ही हमारे पीरियड्स कब आने वाले हैं ये तय होता है। तो जब भी हमें पीरियड्स पोस्टपोन करने हो, मेंसेस पोस्टपोन करने हो, तो जो हमारा 14th डे होता है, पीरियड का जो हमारा 14th डे होता है, उस दिन हमारे बॉडी में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि बीज तैयार होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद अगर 72 आवर्स में, 72 घंटे में अगर प्रेगनेंसी रहती है तो फिर हमें आगे पीरियड्स नहीं आते हैं, और अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल इवेंचुअली धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और 14 डेज के बाद जब वो डिक्रीज हो जाता है तो हमें पीरियड्स आते हैं। यानी कि बराबर से 28 से लेकर 30 डेज के बीच में जिनके रेगुलर साइकिल्स होते हैं उनके पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे में जब भी हमें पीरियड पोस्टपोनमेंट करने हो तो हमें जो दवाई है वह हमारे एक्सपेक्टेड डेट से 4 दिन पहले ही दवाई शुरू करनी चाहिए। अगर किसी की तारीख पीरियड की से 28 हो तो उसे कम से कम 24 तारीख से दवाई लेना बहुत जरूरी है, तो ही हम पीरियड पोस्टपोन कर सकेंगे। क्योंकि जो हार्मोन का लेवल है जो कम हो रहा है वो कम होते होते हमें उसे वहां पर रोकना है, और जो हम दवाई शुरू करेंगे उससे वो हार्मोन का लेवल वहां पे बैलेंस रहेगा, और जब तक हमें पीरियड्स नहीं चाहिए हम तब तक वो टैबलेट्स ले सकते हैं। से हमें अगर 5 दिन आगे करना है तो हमें पहले 4 डेज और एक्सपेक्टेड डेट्स के बाद के 5 डेज, ऐसे एक 10 दिन हमें टैबलेट लेना जरूरी है। तो अभी तो ये तो हो गया कि जिनके पीरियड्स रेगुलर है उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट के 4 डेज पहले दवाई शुरू करनी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गर्ल्स में या महिलाओं में पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, मतलब उनकी जो साइकिल है वो 28-30 डेज की ना होके 40 डेज, 45 डेज ऐसी साइकिल होती है। तो ऐसे समय हम दवाई तब ले सकते हैं जब आपके पहले 14 दिन हो गए हो, फर्स्ट 14 डेज हो गए हो, उसके बाद आप कभी भी दवाई आपके इसमें शुरू की जा सकती है। तो इसीलिए जब भी आपके पीरियड्स आपको पोस्टपोन करने हो किसी वजह से, तो आप 14 डेज के बाद आप डॉक्टर के पास कभी भी जा सकते हैं, ताकि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछ के आपको एडवाइस करेंगे कि आपने टैबलेट कब तक लेनी है करके। तो यह हो गया कि टाइमिंग्स की हमें टैबलेट्स कब लेनी चाहिए, जिनके रेगुलर पीरियड्स हैं उन्होंने और जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं उन्होंने। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी हमें हम चाहते हैं कि हमारे पीरियड्स पहले आ जाए, यानी कि प्रीपोन हो जाए, तो यूजुअली प्रीपोन पीरियड्स करना यह बहुत ज्यादा गारंटेड नहीं होता है। अगर आपको पीरियड्स प्रीपोन करने हैं तो आपको आपके मेंसेस के पहले दिन ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ताकि वो आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे जो आपने एक 14 डेज के बाद ब्रेक करने हैं, यानी कि वो साइकिल पूरा जो 21 डेज का जो स्ट्रिप होता है वो पूरा ना लेके अगर हम उसको 14 डेज लेते हैं और छोड़ देते हैं तो हमें पीरियड्स आ जाएंगे। तो इस तरह हम पीरियड्स को प्रीपोन कर सकते हैं।
पर पोस्टपोनमेंट के जैसे हम प्रीपोनमेंट के लिए सिर्फ 2-3 दिन टैबलेट्स लेके नहीं चलता है, उसके लिए हमें पीरियड के फर्स्ट डे से, अगर हमारा पहले से प्लानिंग हो कि हमारा कोई ट्रिप है जिसे जिस पर हमें जाना है ट्रिप के, और हम चाहते हैं कि ट्रिप के पहले ही हमारे पीरियड्स हो जाए क्योंकि जर्नी स्टार्ट होते समय ही हमारे अगर पीरियड्स आने वाले हो, तो हम पहले महीने में ही जो पीरियड आया है हमारा उस फर्स्ट डे पे हम जाके डॉक्टर से मिले, ताकि डॉक्टर हमें फर्स्ट डे से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब करेंगे, और ताकि आपको फिर वह पीरियड्स गोली कब बंद करनी है ये बताने से आपके जो एक्सपेक्टेड पीरियड्स है वो आपके ट्रिप के पहले आ जाएंगे। तो इस तरह हो गया प्रीपोनमेंट और पोस्टपोनमेंट का टाइमिंग कि हमें दवाई कब लेनी चाहिए। तो अब दूसरी इसमें सबसे जरूरी बात है कि इसमें जो दवाई ली जाती है वह कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो जो भी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज में है या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी रह सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स ने कभी भी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, यानी कि जैसे आप सबको पता होगा कि टैबलेट प्राइमुलट एन, ये मेरे ख्याल से ऐसे काफी सालों से ये प्रिस्क्रिप्शन जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर एक बार लिख के दे देते हैं, फिर हम हमारे फ्रेंड से शेयर करते हैं, ये अगली बार हमें लगने अगर फिर पोस्टपोन करना है तो हम वही टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो भी महिला एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे प्रेगनेंसी रह सकती है, क्योंकि उसे तो पता नहीं है, वो तो पीरियड्स आगे करने की दवाई लेना है उसे, तो उसे पता नहीं है कि उसे प्रेगनेंसी रह गई है या नहीं रह गई है, तो ऐसे समय हमें प्रोजेस्ट्रॉन वाली ही गोली लेनी चाहिए, जिसमें आता है टैबलेट डिवायरी है, मेप्रेट है, इस तरह की ही दवाइयां लेनी चाहिए, ताकि अगर बाय चांस आपको प्रेगनेंसी रही होगी तो इन दवाइयों का प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी गलत असर नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्राइमुलोट एन जैसी टैबलेट लेंगे जो एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है, तो उससे कुछ परसेंट आपके फीटस के ऊपर या गर्भ के ऊपर उसका गलत असर दिख सकता है। तो इसीलिए हमने ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सी दवाई लेनी है और हम क्या हम प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमने हमारे डॉक्टर को बताना जरूरी है। तो इसीलिए अगर जो पेशेंट प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्होंने एंड्रोजेनिक हार्मोन वाली टैबलेट से प्राइमुलोट एन ऐसी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। और अगर हम दवाई का डोज की बात करें तो जो डिवायरी मेप्रेट इस तरह की जो टैबलेट होती है, ये हमें 10 mg दिन में 3 बार लेना जरूरी है। और अगर हम रेजिस्ट्रॉन जैसी टैबलेट ले रहे हैं तो वो 10 mg हमें दिन में 2 बार लेना जरूरी है, और ये टैबलेट्स हम जब तक हमें पोस्टपोन करने हैं तब तक हमें टैबलेट ले सकते हैं। आप अगर बात करें कि हमें कितने दिनों के लिए हम टैबलेट्स ले सकते हैं या सेफ है ये टैबलेट्स लेना, तो आप मैक्सिमम 3 वीक्स तक ये टैबलेट आराम से ले सकते हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा सुना जाता है या देखा जाता है कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर एक इंजेक्शन दे दीजिए, तो इंजेक्शन दे देने से हमारे पीरियड्स आगे हो जाएंगे, हम बार बार दवाई लेना नहीं चाहते, कभी उन्हें किसी डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिया होता है, तो यह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्शन होता है उससे आपके पीरियड्स काफी लंबे समय के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन जो होते हैं वो डेपोट के इंजेक्शन होते हैं, मतलब कि उसमें जो दवाई होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है और वो काफी लंबे समय तक आपके पीरियड पोस्टपोन कर देते हैं। तो अगर आप सिर्फ 4 या 5 दिनों के लिए पीरियड पोस्टपोन करना चाहते हैं और अगर आप इंजेक्शन ले लोगे तो आपको 2-3 महीने पीरियड्स ही नहीं आएंगे, और फिर आपको लगेगा कि हमने दवाई खाई थी और हमें पीरियड्स क्यों नहीं आ, हमने तो सिर्फ एक इंजेक्शन लिया था तो हमें पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसीलिए आपको पीरियड पोस्टपोनमेंट या प्रीमोनमेंट के लिए बिल्कुल भी इंजेक्शन लेना नहीं है, आपको सिर्फ आपकी डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी है, जो आपको सही समय पे जाके ही दवाई लेनी है। तो यह दवाई लेते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया, कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी तो आपको एंड्रोजन हार्मोन वाली दवाइयां नहीं लेनी है, आपको अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसको 3 हफ्ते तक आप ये दवाई ले सकते हैं, और ये दवाई जब हम बंद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज हमने गोली बंद कर दी तो हमें कल पीरियड्स आ जाएंगे, दवाई बंद करने के 4 से 5 दिनों के बाद ही पीरियड्स आते हैं, इसलिए आप चिंतित ना हो कि हमने आज गोली बंद कर दी है और हमारे पीरियड्स कल क्यों नहीं आए। अगर हमारा काम हमें हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे ट्रिप या फैमिली फंक्शन आज खत्म होने वाला है और हमारे कल पीरियड्स आ गए तो भी चलेगा, तो हम 1-2 दिन पहले ही गोली बंद कर सकते हैं, ताकि गोली बंद होने के 2 से 4 से 5 दिनों के बाद आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि पोस्टपोनमेंट और प्रीपोनमेंट को लेके जो भी आपके मन में सवाल थे या आपके जो टाइमिंग्स थे कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो
वीडियो में मिल गया हो। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर थर्सडे जब नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो है वो स्केंटीमेंसिस पे बनेगा, तो तब तक के लिए